गुल्ली डंडा, हमारे अंग्रेजी दा दोस्त माने या न माने, मैं तो यही कहूंगा कि गुल्ली डंडा सब खेलों का राजा है। अब भी कभी लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते देखता हूँ तो जी लोटपोट हो जाता है कि इनके साथ जाकर खेलने लगूं। न लान की जरूरत, न कोर्ट की, न नेट की, न थापी की। मजे से किसी पेड़ की एक टहनी काट ली, गुल्ली बना ली और दो आदमी भी आ गए तो खेल शुरू हो गया। विलायती खेलों में सबसे बड़ा ऐब है कि उनके सामान महंगे होते हैं। जब तक कम से कम एक सैकड़ा न खर्च कीजिए, खिलाड़ियों में शुमार ही नहीं हो सकता। यह गुल्ली डंडा है कि बिना हर फिटकरी के चोखा रंग देता है, पर हम अंग्रेजी चीजों के पीछे ऐसे दीवाने हो रहे हैं कि अपनी सभी चीजों से अरुचि हो गई है। हमारे स्कूलों में हर के लड़के से 3-4 रुपए सालाना केवल खेलने की फीस ली जाती है। किसी को यह नहीं सोचता कि भारतीय खेल खिलाएं जो बिना दाम कौड़ी के खेले जाते हैं, अंग्रेजी खेल उनके लिए जिनके पास धन है, गरीब लड़कों के लिए सिर क्यों यह व्यसन मरते हैं। ठीक है, गुल्ली से आंख फूट जाने का भय रहता है, तो क्या क्रिकेट से सिर फूट जाने, तिल्ली फट जाने, टांग टूट जाने का भय नहीं रहता? अगर हमारे माथे में गिल्ली का दाग आज तक बना हुआ है तो हमारे कोई दोस्त ऐसे भी हैं जो थापी को बैसाखी से बदल बैठे। खैर, यह अपनी अपनी रुचि है। मुझे गुल्ली ही सब खेलों से अच्छी लगती है और बचपन की मीठी स्मृतियों में गुल्ली ही सबसे मीठी है। वह प्रातः काल घर से निकल जाना, वह पेड़ पर चढ़कर टहनियाँ काटना और गुल्ली डंडे बनाना, वह उत्साह, वह लगन, वह खिलाड़ियों के जमघटे, वह पदाना, वह पादना, वह लड़ाई झगड़े, वह सरल स्वभाव जिसमें छूत अछूत, अमीर गरीब का बिल्कुल भेद न रहता था, जिसमें अमीराना चोट चलों की प्रदर्शन की अभिमान की गुंजाइश न ही न थी। यह उसी वक्त भूलेगा जब घर वाले बिगड़ रहे हैं। पिताजी चौक पर बैठे बेग से रोटियों पर अपना क्रोध उतार रहे हैं। अम्मा की दौड़ केवल द्वार तक है, लेकिन उनकी विचारधारा में मेरा अंधकारमय भविष्य टूटी हुई नौका की तरह डगमगा रहा है। मैं और मैं हूं कि पदाने में मस्त हूं। न नहाने की सुधि है, न खाने की, गुल्ली है तो जरा सी, पर उसमें दुनिया भर की मिठाइयों की मिठास है, तमाशों का आनंद भरा हुआ है। मेरे हम जोलियों में एक लड़का गया नाम का था, जिस मुझसे 2-3 साल बड़ा होगा। दुबला लंबा, बंदरों की सी लंबी लंबी पतली पतली उंगलियां, बंदरों की सी ही चपलता, वही छलछलाहट। गुल्ली कैसी हो उस पर इस तरह लपकता था जैसे छिपकली कीड़ों पर लपकती है। मामूल नहीं, उस मालूम नहीं उसके माँ बाप थे या नहीं, कहाँ रहता था, क्या खाता था, पर था हमारे गुल्ली क्लब का चैंपियन। जिसकी तरह वह आ जाए उसकी जीत निश्चित थी। हम सब उसे दूर से आते देखे का दौड़कर स्वागत करते थे और उसे अपना गुइया बना लेते थे। एक दिन हम और गया दो ही खेल रहे थे, वह पदा रहा था, मैं पद रहा था, मगर कुछ विचित्र बात है कि पदाने में हम दिन भर मस्त रह सकते हैं, पदाना 1 मिनट का भी अखरता है। मैंने गला छुड़ाने के लिए सब चाल चली, जो ऐसे अवसर पर शास्त्र विहित न होने पर भी क्षम्य है, लेकिन गया अपना दाव लिए बगैर मेरा पिंड न छोड़ता था। अनुनय विनय का कोई अंतर असर न हुआ। मैं घर की ओर भागा, गया ने मुझे दौड़ाकर पकड़ लिया और डंडा तान कर बोला, मेरा दाव देकर जाओ, पदाया तो बड़े बहादुर बन के पदने की बेरी क्यों भागे जाते हो। तुम दिन भर पदाओ तो मैं दिन भर पाता हूँ,
हाँ तुम्हें दिन भर पादना पड़ेगा, न खाने जाऊं न पीने जाऊं। हाँ मेरा दाव दिए बिना कहीं नहीं जा सकते, मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। हाँ मेरा गुलाम हो, मैं घर जाता हूँ देखूं मेरा क्या कर लेते हो। घर कैसे जाओगे, कोई दिल लगी है? दाव दिया है दाव लेंगे। अच्छा कल मैंने तुम्हें अमरुद खिलाया था, वह लौटा दो, वह तो पेट में चला गया, निकालो पेट से। तुमने क्यों खाया मेरा अमरुद? अमरुद तुमने दिया तब मैंने खाया, तुमसे मांगने न गया था। जब तक मेरा अमरुद न दोगे मैं दाव न दूंगा। मैं समझ छाता था न्याय मेरी ओर है, आखिर मैंने किसी स्वार्थ से ही उसे अमरुद खिलाया होगा। कौन निस्वार्थ किसी के साथ सलूक करता, भिक्षा तक तो स्वार्थ के लिए ही देते हैं। जब गया ने अमरुद खाया तो फिर उसे मुझसे दाव लेने का क्या अधिकार है? रिश्वत देकर तो लोग खून पचा जाते हैं, यह मेरा अमरुद यूं ही हजम कर जाएगा? अमरुद पैसे के पांच वाले थे, जो गया के बाप को भी नसीब न होंगे। यह सरासर अन्याय था। गया ने मुझे अपनी ओर खींचते हुए कहा, मेरा दाव देकर जाओ, अमरुद समरुद में मैं नहीं जानता। मुझे न्याय का बल था, वह अन्याय पर डटा हुआ था। मैं हाथ छुड़ाकर भागना चाहता था, वह मुझे जाने न देता। मैंने गाली दी, उसने उससे कड़ी गाली दी, और गाली नहीं दो एक चाटा जमा दिया। मैंने उसे दांत काट लिया, उसने मेरी पीठ पर डंडा जमा दिया। मैं रोने लगा। गया मेरे इस अस्त्र का मुकाबला न कर सका, भागा। मैंने तुरंत आंसू पोंछ डाले, डंडे की चोट भूल गया और हंसता हुआ घर में जा पहुंचा। मैं थानेदार का लड़का एक नीच जात के लौंडे के हाथ पिट गया, यह मुझे उस समय भी अपमानजनक मालूम हुआ। लेकिन घर में किसी से शिकायत न की। उन्हीं दिनों पिताजी का वहां से तबादला हो गया। नई दुनिया देखने की खुशी में ऐसा फूला कि हम जोलियों से बिछुड़ जाने का बिल्कुल दुख न हुआ। पिताजी दुखी थे, यह बड़ी आमदनी की जगह थी। अम्मा जी भर दुखी थी, यहाँ सब चीजें सस्ती थी और मोहल्ले की स्त्रियों से घर आवे सा हो गया था। लेकिन मैं मारे सुखी खुशी के फूला न समाता था, लड़कों से जीत उड़ रहा था। वहां ऐसे घर थोड़े ही थे होते हैं, ऐसे ऐसे ऊंचे घर हैं कि आसमान से बातें करते हैं। वहां के अंग्रेजी स्कूल में कोई मास्टर लड़कों को पीट तो उसे जेहल हो जाए। मेरे मित्र की फैली हुई आंखें और चकित मुद्रा बतला रही थी कि मैं उनकी निगाह में कितना ऊंचा उठ गया हूँ। बच्चों में मिथ्या को सत्य बना लेने की वह शक्ति है जिसे हम जो सत्य को मिथ्या बना लेते हैं, क्या समझेंगे उन बेचारों को मुझसे कितनी स्पर्धा हो रही थी। मानो कह रहे थे, तुम भाग्यवान हो भाई, जाओ, हमें तो इस उजड़ ग्राम में जीना भी है और मरना भी। 20 साल गुजर गए, मैंने इंजीनियरिंग पास की और उसी जिले का दौरा करता हुआ उसी कस्बे में पहुंचा और डाक बंगले में ठहरा। उस स्थान को देखते हुए इतनी माधुर्य बाल स्मृतियां हृदय में जाग उठी कि मैंने छड़ी उठाई और कस्बे की सैर करने निकल। आंखें किसी प्यासे पथिक की भांति बचपन में उन क्रीड़ा स्थलों को देखने के लिए व्याकुल हो रही थी। पर उस परिचित नाम के सिवा वहां और कुछ परिचित न था। जहाँ खंडहर था, पक्के मकान खड़े थे। जहाँ बरगद का पुराना पेड़ था, वहां अब एक सुंदर बगीचा था। स्थान की कायापलट हो गई थी। अगर उसके नाम और स्थिति का ज्ञान न होता तो मैं इसे पहचान भी न सकता। बचपन का संचित और अमर स्मृतियां बाहें खोले अपने उन पुराने मित्रों से गले मिलने को अधीर हो रही थी, मगर वह दुनिया बदल गई थी। ऐसा जी होता था कि उस धरती से लिपट कर रोऊं और कहूं, तुम मुझे भूल गई, मैं तो अब भी तुम्हारा वही रूप देखना चाहता हूं। साहस सहसा
एक खुली हुई जगह में मैंने दो तीन लड़के को गुल्ली डंडा खेलते देखा। एक क्षण के लिए मैं अपने को बिल्कुल भूल गया, भूल गए कि मैं एक ऊंचा अफसर हूँ। साहबी ठाठ में रौब और अधिकार के आवरण में जाकर लड़के से पूछा, क्या बेटे यहाँ कोई गया नाम का आदमी रहता है? एक लड़के ने गुल्ली डंडा समेट कर सहमे हुए स्वर में कहा, कौन गया? गया चमार? मैंने यूं ही कहा, हाँ हाँ वही गया नाम का कोई आदमी है, तो शायद वही हो। है हाँ है, तो जरा उसे बुला ला सकते हो? लड़का दौड़ा हुआ गया और एक क्षण में एक पांच हाथ के काले देव को साथ लिए आता दिखाई दिया। मैं दूर से ही पहचान गया उसकी और लपकाना चाहता था कि उसके गले लिपट जाऊं, पर कुछ सोच कर रह गया। बोला, कहो गया, मुझे पहचानते हो? गया ने झुक कर सलाम किया, हाँ मालिक भला पहचानूंगा, क्यों नहीं, आप मजे से रहें, बहुत मजे में। तुम अपनी कहो, डिप्टी साहब का सईसा हूँ, मतई मोहन दुर्ग, यहाँ सब कहाँ हैं? कुछ खबर है? मतई तो मर गया, दुर्गा और मोहन दोनों डाकियां हो गए आप। मैं तो जिले का इंजीनियर हूँ, सरकार तो पहले ही बड़े जहीन थे, अब कभी गुल्ली डंडा खेलते हो? गया ने मेरी ओर प्रश्न की आंखों से देखा। अब गुल्ली डंडा क्या खेलूंगा सरकार, अब तो पेट के धंधे से छुट्टी नहीं मिलती। आओ आज तुम खेलें, तुम पदाना हम पा देंगे, तुम्हारा एक दाव हमारे ऊपर है, वह आज ले लो। गया बड़ी मुश्किल से राजी हुआ, वह 18 टके का मजदूर, मैं एक बड़ा अफसर, हमारा और उसका क्या जोड़, बेचारा छप रहा था, लेकिन मुझे भी कुछ कम झेप न थी। इसीलिए नहीं कि मैं गया के साथ खेलने जा रहा था, बल्कि इसलिए कि लोग इस खेल को अजूबा समझकर इसका तमाशा बना लेंगे और अच्छी खासी भीड़ लग जाएगी, उस भीड़ में वह आनंद कहाँ रहेगा। पर खेले बगैर तो रहा नहीं जाता था कि निश्चय हुआ कि दोनों जन बस्ती से दूर जाकर एकांत में खेले, वहां कौन कोई देखने वाला बैठा होगा। मजे से खेलेंगे और बचपन की उस मिठाई का खूब रस ले लेकर खाएंगे। मैं गया को लेकर डाक बंगले में आया और मोटर पर बैठकर दोनों मैदान की ओर चले। साथ में एक कुल्हाड़ी ले ली। मैं गंभीर भाव धारण किए हुए था, लेकिन गया इसे अभी तक मजाक ही समझ रहा था। फिर भी उसके मुख पर उत्सुकता या आनंद का कोई चिन्ह न था। शायद वह हम दोनों में जो अंतर हो गया था वह सोचने में मग्न था। मैंने पूछा, तुम कभी हमारी याद आई थी? गया सच कहना। गया झेपता हुआ बोला, मैं आपको क्या याद करता हुजूर, किसी लायक हूँ भाग में आपके साथ कुछ दिन खेलना, बदा था नहीं मेरी क्या गिनती। मैंने कुछ उदास होकर कहा, लेकिन मुझे तो बराबर तुम्हारी याद आती थी, तुम्हारा वह डंडा जो तुमने तान कर जमाया था, याद है ना? गया ने पछताते हुए कहा, वह लड़कपन था सरकार, उसकी याद न दिलाओ। वह मेरे बाल जीवन की सबसे रसीली याद है, तुम्हारे उस डंडे में जो रस था वह तो अब न आदर सम्मान में पाता हूँ, न धन में। कुछ ऐसी मिठास थी उसमें कि आज तक उससे मन मीठा होता रहता है। इतनी देर में हम बस्ती से कई 3 मील निकल आए, चारों तरफ सन्नाटा है, पश्चिम की ओर कोसों तक भीमताल फैला हुआ है, जहाँ आकर हम किसी समय कमल के पुष्प तोड़ ले जाते थे और उसके झुमके बनाकर कानों में डाल लेते थे। जेठ की संध्या केसर में डूबी चली आ रही थी। मैं लपक कर एक पेड़ पर चढ़ गया और एक टहनी काट ली लाया, चटपट गुल्ली डंडा बन गया, खेल शुरू हो गया। मैंने गुच्ची में गुल्ली रखकर उछाली, गुल्ली गया के सामने से निकल गई, उसने हाथ लपकाया जैसे मछली पकड़ रहा हो। गुल्ली उसके पीछे जाकर गिरी, यह वही गया है जिसके हाथों में गुल्ली उस जैसे आप ही आप जाकर बैठ जाती थी। वह दाहिने बाएं कहीं हो, गुल्ली उसके हथेली में ही पहुंचती थी, जैसे गुल्लियों पर
वशीकरण डाल देता हो। नई गुल्ली, पुरानी गुल्ली, छोटी गुल्ली, बड़ी गुल्ली, नाकेदार गुल्ली, सपाट गुल्ली, सभी उसे मिल जाती थी, जैसे उसके हाथों में कोई चुंबक हो जो गुल्लियों को खींच लेता हो। लेकिन आज गुल्ली को उससे प्रेम नहीं रहा। फिर तो मैंने पदाना शुरू किया। मैं तरह तरह की धंधा धांधलियां कर रहा था। अभ्यास की कसर बेईमानी से पूरी कर रहा था। ऊंच जाने पर भी डंडा खेल जाता था। हालांकि शास्त्र के अनुसार गया की बारी आनी चाहिए थी गुल्ली पर, जब ओछी चोट पड़ती और वह जरा दूर पर गिर पड़ती तो मैं झपट झटपट उसे खुद उठा लेता और दोबारा टांड लगाता। गया गया यह सारी बेकायदगी देख रहा था, पर कुछ न बोलता था। जैसे उसे यह वह सब कायदे कानून भूल गए। उसका निशाना कितना अचूक था। गुल्ली उसके हाथ से निकलकर टन से डंडे में आकर लगती थी। उसके हाथ से छूटकर उसका काम था डंडे से टकरा जाना। लेकिन आज वह गुल्ली डंडे में लगती ही नहीं। कभी दाहिने जाती, कभी बाएं, कभी आगे, कभी पीछे। आधे घंटे पादाने के बाद एक बार गुल्ली डंडे में आ लगी। मैंने धांधली की, गुल्ली डंडे में नहीं लगी, बिल्कुल साफ पास सी गई, लेकिन लगी नहीं। गया ने किसी प्रकार का असंतोष न प्रकट किया। न लगी होगी डंडे में, लगती तो क्या मैं बेईमानी करता? नहीं भैया, तुम भला बेईमानी करोगे? बचपन में मजाल था कि मैं ऐसा घपला करके जीत बचता। यही गया गर्दन पर चढ़ बैठता। लेकिन आज मैं उसे कितनी आसानी से धोखा दिए चला जाता हूँ। गधा है, सारी बातें भूल गया सा सा। गुल्ली फिर डंडे में लगी और इतने जोर से लगी जैसे बंदूक छूटी हो। इस प्रमाण के सामने अब किसी तरह की धांधली करने का साहस मुझे इस वक्त भी न हो सका। लेकिन क्या क्यों न एक बार सच को झूठ बनाने की चेष्टा करूं? मेरा हर्ज ही क्या है? मान गया तो वह हवा, नहीं तो दो चार हाथ पदाना ही पड़ेगा। अंधेरे का बहाना करके जल्दी से गला छूट लूंगा, फिर कौन दाव देने आता? गया ने विजय के उल्लास में कहा। लग गई टन से बोली। मैंने अनजाने बनाने की चेष्टा करके कहा, तुमने लगते देखा? मैंने तो नहीं देखा, टन से बोली है सरकार। अरे, और जो किसी ईंट में लगी गई हो। मेरे मुख से यह वाक्य उस समय कैसे निकला इसका मुझे खुद आश्चर्य है। इस सत्य को झुठलाना वैसे ही था जैसे दिन को रात बताना। हम दोनों ने गुल्ली को डंडे में जोर से लगाते देखा था, लेकिन गया ने मेरा कथन स्वीकार कर लिया। हाँ, किसी ईंट में ही लगी होगी, डंडे में लगती तो इतनी आवाज न आती। मैंने फिर पदाना शुरू कर दिया, लेकिन इतनी प्रत्यक्ष धांधली कर लेने के बाद गया की सरलता पर मुझे दया आने लगी। इसलिए जब तीसरी बार गुल्ली डंडे में लगी तो मैंने बड़ी उदारता से दाव देना तय कर दिया। गया ने कहा, अब तो अंधेरा हो गया भैया, कल पर रखो। मैंने सोचा कल बहुत सा समय होगा, यह न जाने कितनी देर पदाए, इसीलिए इसी वक्त मामला साफ कर लेना अच्छा होगा। नहीं, अभी बहुत ज्याला है, तुम अपना दाव ले लो, गुल्ली सूझेगी नहीं, कुछ परवाह नहीं। गया ने पदाना शुरू किया, पर उसे अब बिल्कुल अभ्यास न था। उसने दो बार डंडा लगाने का इरादा किया, पर दोनों ही बार हुच गया। 1 मिनट से कम में वह दाव पूरा कर चुका बेचारा। घंटा भर पदा पर 1 मिनट ही में अपना दाव खो बैठा। मैंने अपने हृदय की विलासिता का परिचय दिया। एक दाव और खेल लो, तुम पहले ही हाथ में हुच गए। नहीं भैया, अब अंधेरा हो गया है, तुम्हारा अभ्यास छूट गया है। क्या कभी खेलते नहीं? खेलने का समय कहाँ मिलता है भैया? हम दोनों मोटर पर जा बैठे और चिराग जलाते जलाते पड़ाव पर पहुंच गए। गया चलते चलते बोला, कल यह गुल्ली डंडा होगा, सभी पुराने खिलाड़ी खेलेंगे, आप भी आओगे? जब आपको फुर्सत हो तभी खिलाड़ियों को बुलाऊं। मैंने शाम का समय दिया और दूसरे दिन मैच देखने आया।
कोई दस दस आदमियों की मंडली थी। कई मेरे लड़कपन के साथी निकले, अधिकांश तो युवक थे जिन्हें मैं पहचान न सका। खेल शुरू हुआ, मैं मोटर पर बैठा बैठा तमाशा देखने लगा। आज गया का खेल उसका वह नेपुल देखकर मैं चकित हो गया। टांड लगता तो गुल्ली आसमान से बातें करती, कल की सी वह झिझक वह हिच की चाहट वह बेदली आज न थी। लड़कपन में जो बात थी आज उसने पूर्णता प्राप्त कर ली थी। कहीं कल इसने मुझे इस तरह पताया होता तो मैं जरूर रोने लगता। उसके डंडे की चोट खाकर गुल्ली 200 गज की खबर लाती थी। पादने वालों में एक युवक ने धांधली की, उसने अपने विचार में गुल्ली लोक ली थी। गया का कहना था गुल्ली जमीन में लगकर उछली थी। इस पर दोनों में ताल ठोकने की नौबत आई। युवक दब गया, गया का तमतमाया हुआ चेहरा देखकर डर गया। अगर वह दब न जाता तो जरूर मारपीट हो जाती। मैं खेल में न था पर दूसरों के इस खेल में मुझे वही लड़कपन का आनंद आ रहा था जब हम सब कुछ भूलकर खेल में मस्त हो जाते थे। अब मुझे मालूम हुआ कि कल गया ने मेरे साथ खेला नहीं, केवल खेलने का बहाना किया। उसने मुझे दया का पात्र समझा। मैंने धांधली की बेईमानियां की पर उसे जरा भी क्रोध न आया, इसीलिए कि वह खेल न रहा था, मुझे खेला रहा था, मेरा मान रख रहा था। वह मुझे पदाकर मेरा कचूमर नहीं निकालना चाहता था। मैं अब अफसर हूँ, यह अफसरी मेरे और उसके बीच में दीवार बन गई है। अब मैं उसका लिहाजा पा सकता हूँ, अदब पा सकता हूँ, सहचार्य नहीं पा सकता। लड़कपन था तब मैं उसका समकक्ष था, हम में कोई भेद न था। यह पद पाकर अब मैं केवल उसकी दया के योग्य हूँ। वह मुझे अपना जोड़ नहीं समझता, वह बड़ा हो गया है, मैं छोटा हो गया हूँ। हिंदी कविता, हिंदी मासिक पत्रिका हंस, फरवरी 1933 में प्रकाशित। मानसरोवर भाग एक में एक संकलित उर्दू रूप गिल्ली डंडा शीर्षक से उर्दू कहानी संग्रह वारदात में संकलित।